हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेली नोटिफिकेशन है ARO चरखी दादरी हरियाणा की, उसकी सभी डिटेल मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। कौन कौन से इसमें वैकेंसी निकली है, क्या उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या उनकी फिजिकल स्टैंडर्ड है, सभी डिटेल मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। कि आर्मी रिक्वायरमेंट रैली ये ARO चरखी दादरी की तरफ से है और यह राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी में ये होगी और ये 1 जुलाई से लेकर 14 जुलाई 2020 तक होगी। आर्मी रिक्वायरमेंट रैली विल बी हेल्ड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी रेवाड़ी भिवानी और महेंद्रगढ़ की होगी 1 जुलाई से लेकर 14 जुलाई 2020 एट राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड विल बी ओपन फॉर्म, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे और वो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे 2 मई से लेकर 15 जून तक। ऑनलाइन फॉर्म है 2 मई से लेकर 15 जून और एडमिट कार्ड है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर 16 जून से लेकर 30 जून तक भेज दिए जाएंगे। इसके बाद है कौन कौन से कैटेगरी की वैकेंसी है। एक तो GD की वैकेंसी है जिसमें आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 17.5 से लेकर 21 साल तक, यानी कि आपकी 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट 50 किलोग्राम, चेस्ट स्तंतर और 5 आपकी फ्लाव के साथ यानी 70 से लेकर 82। और आपकी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10वीं पास, 45% इन टोटल या 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में। फॉर बोर्ड फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम, यानी कि मिनिमम ग्रेड डी होनी चाहिए। इसके बाद है कलरक्की। कलरक्की में आपकी एज लिमिट है जैसे कि 17.5 से लेकर 23 साल और आपकी जैसे कि एज होनी चाहिए 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003। हाइट है 162 सेंटीमीटर, वेट है 50 किलोग्राम, इसकी भी चेस्ट हो 70 से 82 और इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है +2 इंटरमीडिएट, आपको किसी भी सब्जेक्ट से विद 60% मार्क इन एग्रीगेट यानी कम से कम 60% होनी चाहिए और मिनिमम 50% ईच सब्जेक्ट और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 50% होनी चाहिए। इसके बाद सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ्स अकाउंट्स बुक कीपिंग इन क्लास 12 इज मैंडेटरी, और इंग्लिश के अंदर और मैथ के अंदर आपकी 50% कम से कम होनी चाहिए। इसके बाद है ट्रेड्समैन की है तीसरी वैकेंसी। ट्रेड्समैन 10th पास के लिए है, चीफ कम्युनिटी ड्रेसर स्टेवर्ड वाशरमैन टेलर स्पोर्ट्स स्टाफ इक्विपमेंट और रिपेयर, इसमें 17.5 से 23 साल है, 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003, 170 सेंटीमीटर हाइट, 50 किलोमीटर वेट और चेस्ट 70 से 82, इसमें 10वीं पास होनी चाहिए। इसके बाद है अगली ट्रेड्समैन है 8वीं पास हाउस कीपर, 17.5 से 23, 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003, 170 सेंटीमीटर हाइट, 50 किलोग्राम वेट, 70 चेस्ट और क्वालिफिकेशन आपकी जैसे 8वीं पास होना चाहिए। कंप्लीट डिटेल आप देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। इसके बाद आपकी ये है रिलैक्सेशन है कि आपको को कितनी छूट मिलेगी। फिर इसके बाद है फिजिकल टेस्ट है रैली के अंदर कि 1.6 किलोमीटर रेस है, बीम पुलअप है, 9 फीट रिच है, जिगजैग बैलेंस है, ये आपकी सभी के लिए सेम रहेगा। इसके बाद है आपकी फिजिकल मेजरमेंट PMT यानी इसके बाद PMT होगा फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है। इसके बाद है रिटन टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आपका रिटन टेस्ट होगा, वो चरखी दादरी के द्वारा आपकी डेट अनाउंस की जाएगी। इसके बाद है एडमिट कार्ड आपकी दिखा रखा है, एडमिट कार्ड फोटोग्राफ एजुकेशन सर्टिफिकेट है डिटेल। इसके बाद बोनिफाइड हरियाणा डोमिसाइल होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, रिलीजन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट अनमेरिड सर्टिफिकेट रिलेशनशिप सर्टिफिकेट ये एफिडेविट है, NCC सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है और इसके बाद है
सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आपकी बाद की प्रोसेस है। आप अप्लाई करें ऑनलाइन, और ऑनलाइन अप्लाई कैसे हो अगर आप ये जानना चाहते हो कैसे अप्लाई करें, वो सभी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।